सियासत और सत्ता के लिए सब कुकर्म ये कंट्री करेगी, मारेगी, काटेगी, नफरत पैदा करेगी, सब कुछ बेच देगा। लेकिन जब 130 करोड़ लोगों के एनर्जी ऑफ वे उसके जीवन की बात आएगी तो यह कंट्री उसकी कतई बात नहीं करेगी। सदन और विधानसभा और लोकसभा ये मुर्दों का जगह है, ये सिर्फ पूंजीपतियों की बात होती है। बिहार की छपरा की बेटी सविता महतो, जिन्होंने 12,500 किलोमीटर साइकिल चलाकर पूरे देश का भ्रमण किया था और बिहार जो देश की बेटी बचाओ का अभियान है उसे आगे बढ़ाया था। यहाँ पे देखिए पहुंची है सविता महतो पप्पू यादव से मिलने, डिप्टी सीएम से इन्हें मिलना था क्योंकि ये एवरेस्ट फतह करना चाहती है और यही वजह है कि ये डिप्टी सीएम से मिलना चाह रही थी, लेकिन डिप्टी सीएम से मुलाकात नहीं हुई है और अभी पप्पू यादव के यहाँ पहुंची है। हम बात करते हैं सविता से, आप डिप्टी सीएम से मिलने वाली थी, क्या हुआ? जी, वहाँ पे वो बिजी थी सदन में तो मिल नहीं पाई और कहा कि मुझे फाइल दे दो तो मैं फाइल जमा करके आ गया। पिछली बार भी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने 28 का डेट दिया था मुझे। जी, 28 का डेट दिया था तो 28 को गई थी तो कुछ काम के वजह से वो मुझसे नहीं मिली। परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सपना बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है तो थोड़ा करना पड़ेगा। जी, तो आप देख सकते हैं सपना बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है। पप्पू यादव से बात करते हैं कि बिहार की बेटी है छपरा की, ये एवरेस्ट फतह करना चाहती है और 12,500 किलोमीटर साइकिल से भारत घूमी है और बेटी बचाओ का नारा लगाई है, लेकिन इन्हें अभी तक कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला है। आपके पास पहुंची है, कैसे देखते हैं? कंट्री टैलेंटेड कंट्री है, ये क्या जूता मिला था हॉकी ध्यानचंद को, कबड्डी 7 बार खेला तो दूध मिला इस कंट्री में, 7 बार दुनिया जीता दूध मिला, ध्यानचंद को जूता मिला। जब ध्यानचंद को जूता नहीं मिला और कबड्डी वाले को दूध नहीं मिला और सबका गोल्ड सिल्वर बेच करके जब हम शहीद होते हैं तब तो पेट्रोल पंप बिल्बे ने किया, लोकसभा में हम जो मरे आज तक पेट्रोल पंप नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। इस कंट्री में कुछ मिलना है, इस कंट्री में चाय चपट करके नेता पदाधिकारी के घर उसका बेटा बेटी का पेट भरना चाहिए, उसकी ऐशो आराम की जिंदगी जानी चाहिए, उसके बाद यह कंट्री टैलेंटेड को कभी रेस्पेक्ट नहीं देता, यह कंट्री कभी दुनिया के प्रतिस्पर्धा के साथ जीने की ताकत नहीं रखता। सियासत और सत्ता के लिए सब कुकर्म यह कंट्री करेगी, मारेगी, काटेगी, नफरत पैदा करेगी, सब कुछ बेच देगा। लेकिन जब 130 करोड़ लोगों के एनर्जी ऑफ वे उसके जीवन की बात आएगी यह कंट्री उसकी कतई बात नहीं करेगी। सदन और विधानसभा और लोकसभा ये मुर्दों का जगह है, ये सिर्फ पूंजीपतियों की बात होती है, 130 करोड़ लोगों की बात नहीं होती है। ये बच्ची, आप इससे पहले भी बहुत सारी बच्चियां दुनिया में जाने की प्रयास की, बहुत सारी एवरेस्ट करने की बातचीत की, मीठी मीठी बातें, इलाज करने के लिए सामने में मुख्यमंत्री जी ने कह दिया मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं किस फंड से दूं? अरे मुख्यमंत्री के पास और पीएम के पास तो उतना पैसा होता है, हम किसी ठेकेदार को बोल देंगे तो वो उसकी जिंदगी बदल देगा। वो कहता मैं किस फंड से दूं? एक बच्चों को बचाने के लिए पैसा नहीं होता है जिस कंट्री में, ये तो जिंदा है मुर्द, जिंदा करने के लिए नहीं होता। 7 दिनों से डिप्टी सीएम से मिलना चाह रही है, ये एवरेस्ट फतह करना चाह रही है, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। भैया डिप्टी सीएम अनुकंपा पर बनी है, सभी लोग बनते हैं, जाति के आधार पर बने हैं, कौन जात का सीएम है, कौन जात, जब जिस कंट्री में बलात्कार किस जात का हुआ, किस जात ने किया, जब बेटी को जाति में बांट दी जाती है बलात्कारियों में और जिस जात का बलात्कारी होता है वो चुप और जिस जात के बच्ची की बलात्कार करता है वो 2 घंटा सड़क पर आता हो, हत्या किस जात का हुआ और किस जात ने किया, ये सवाल इस देश में है। तो आप क्या समझते हैं डिप्टी सीएम जो बनी है पीठ थपथपा रहा है सब, कौन बना ये अत्यंत पिछड़ा, कौन बना ये पिछड़ा, ये अगड़ा, एक पप्पू यादव बन गया सब यादव बन गया, एक पप्पू झा बन गया सब झा बन गया, एक पप्पू चौधरी बन गया सब कलवार बन गया, नरेंद्र मोदी बन गया सब कलवार बन गया, सब बनिया बन गया बन गया। तो भैया जब जाति के आधार पर चयन होगा, प्रतिभा के आधार पर किसी नेता का चयन ही नहीं होगा,
तो भैया उस कंट्री का क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। यादव से आखिरी उम्मीद लेकर आई है पप्पू यादव, क्या करेंगे? हमसे जो कहेगा सब कर देंगे भैया, उसका होना क्या है, हम तो करते ही रहते हैं भर दिन भर रात। हमारे आए हैं तो लौट के तो दुनिया में कोई जाता नहीं है, किए जाएंगे। सवाल ये नहीं है मेरा, कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं जिसकी पप्पू यादव ने मदद नहीं किया हो। मैं डंके के चोट पर कहता हूं जो भारत का खिलाड़ी मेरे यहां आया सबकी मदद मैंने की है। ये मेरी कंप्लीट मेरी बेटी की तरह है। क्या इनके लिए मैं कर सकता हूं, मैं इनसे पूछ करके जरूर करूंगा। लेकिन यदि आप नेता और कंट्री की बात करते हैं, नेता उससे मिलता है बालू माफिया से, सब्जी पहुंचाने वाला, रम पहुंचाने वाला, पौर दिखाने वाला, ऐसो आराम की जिंदगी। हमने पहले कहा सरकारी दफ्तर, सरकारी जो घर है वो कोठा है, कोठा कोठा, वहां शराब सबाब कबाब सब चलता है, बेफिक्र। ये थे पप्पू यादव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो सविता की जो हर संभव मदद करेंगे ताकि वो एवरेस्ट फतह कर सके। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।